बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर सीधे राजधानी भोपाल से, जहां बैरसिया से बीजेपी प्रत्याशी विष्णु खत्री का विरोध देखा जा रहा है। जनसंपर्क के दौरान विष्णु खत्री को ग्रामीणों ने बैरंग वापस लौटा दिया। करारिया गांव में जैसे ही विष्णु खत्री पहुंचे, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और वहां पर उनका विरोध देखने के लिए मिला। कहा, अब आ गए, एक रुपए का काम नहीं किया तुमने यहां पर। ग्रामीणों ने विष्णु खत्री के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी के प्रत्याशी विष्णु खत्री का लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन देखा गया है, नारे भी लगाए गए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान उनका कहना है कि यहां पर इस प्रत्याशी के द्वारा एक भी काम नहीं कराया गया है, जिसके चलते जनता में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। और जब जनसंपर्क करने के लिए विष्णु खत्री यहां पर पहुंचे, तो ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया, उन्हें बैरंग वहां से वापस लौटा दिया गया। विष्णु खत्री को ग्रामीणों का आरोप है कि एक रुपए का भी काम यहां पर इस प्रत्याशी के द्वारा नहीं कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे राजधानी भोपाल से, जहां बैरसिया में जनसंपर्क के दौरान विष्णु खत्री को ग्रामीणों के द्वारा वापस लौटाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बनालाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। बनालाल, जानना चाहेंगे किस तरह के आरोप ग्रामीण लगाते हुए नजर आए हैं, किस तरह से यहां पर जनता आक्रोशित हो रही है कि जो बीजेपी प्रत्याशी है विष्णु खत्री, वो जनसंपर्क के दौरान वहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल दोपहर में जब विष्णु खत्री प्रचार करने करारिया गांव पहुंचे, तो वहां पर ग्रामीणों ने सबसे पहले एक विरोध ये दर्ज कराया कि 5 साल में आप पहली बार इस गांव में आए और ना ही आपने एक रुपए का यह काम करा, इसलिए अब आप यहां से वापस लौट जाइए और कोई भी भाजपा कार्यकर्ता इस गांव में दोबारा ना आए। ग्रामीणों का आक्रोश तो यहां पर बनालाल देखने के लिए मिल रहा है कि लोगों का कहना है कि एक रुपए का भी उन्होंने काम नहीं कराया और अब जब वोट मांगने की बारी आ गई तो जनसंपर्क करने के लिए यहां पर ये नेता पहुंच रहे हैं। क्या इस संबंध में आपकी विष्णु खत्री से बात हो पाई है, जो बीजेपी प्रत्याशी है, क्या कुछ कहना उनका इस मामले को लेकर के? विष्णु खत्री से फोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। हालांकि वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया, विष्णु खत्री को गाली से भी नहीं उतरने दिया, वो अपने प्रचार वाहन में वापस बैठकर बेरंग लौट आए। और बड़ी बात ये कि वहां पर बीजेपी का इतना विरोध देखने को नहीं मिला। मोनिका जी, किसी ने वहां पर नारा लगाया बीजेपी मुर्दाबाद, तो वही मौजूद लोगों ने कहा बीजेपी मुर्दाबाद में, विष्णु खत्री मुर्दाबाद बोला, और इसके बाद वहां से प्रचार वाहन को वापस कर दिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बनालाल जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी प्रत्याशी विष्णु खत्री जनसंपर्क के दौरान यहां पर पहुंचे थे करारिया गांव में। जैसे ही वो पहुंचे, वहां पर ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। उनका कहना है कि इस बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा एक रुपए का काम यहां पर नहीं कराया गया और अब जब वोट मांगने की बारी आई तो नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं।